बर्थडे तबू की हम नौजवान से गोलमाल अगेन तक का सफर। बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा तबू कल 47 साल की हो गई है। क्या आप जानते हैं कि तबू ने एक फिल्म में देवानंद साहब के साथ काम किया था? वो फिल्म थी 1985 में आई हम नौजवान। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद की बेटी का रोल निभाया था। तबू को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिल चुका है एवं उन्हें सबसे अधिक 4 बार सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार की श्रेणी में फिल्म फेयर का समीक्षक अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी हासिल है। उस वक्त तबू फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में वीरा का रोल बेहतरीन तरीके से निभाया था। फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया। विरासत 1997 कोलन। इस फिल्म में तब्बू ने एक बेहद सीधी सादी गांव की लड़की का रोल किया था। इस रोल में तब्बू ने दर्शकों का खूब प्यार बटोरा। कंडुकोंडई 2000 कोलन। इस तमिल फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था। चांदनी बार 2001 कोलन। गंभीर रोल्स निभाने में माहिर तब्बू ने इस फिल्म में मुमताज नाम की बार डांसर के रोल में इस कदर जान फूंकी थी कि दर्शक उसे देखकर बेहद भावुक हो गए थे। इस फिल्म के लिए तबू को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। मकबूल 2003 कोलन। फिल्म में उन्होंने डॉन की रखेल को रोल को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा था। द नेम सेक 2006 कोलन। फिल्म में एक बंगाली महिला आशिमा गांगुली के रोल को हर किसी ने जमकर सराहा था। चीनी कम 2007 कोलन। फिल्म में तब्बू ने एक ऐसी लड़की का रोल किया था जिसे अपनी से दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस करना शायद ही किसी के बस की बात हो, लेकिन तब्बू ने ये कमाल कर दिखाया था। लाइफ ऑफ पाई 2012 कोलन। इस हॉलीवुड फिल्म में तब्बू ने मेल प्रोटैगनिस्ट पाई की मांगीता पटेल का रोल किया था और हमेशा की तरह उन्होंने किरदार में जान डाल दी थी। हैदर 2014 कोलन। विशाल भारद्वाज की इस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में गजाल अमीर के किरदार में तब्बू की जमकर सराहना की गई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। जय हो 2014 कोलन। इस फिल्म में तब्बू ने पहली बार सलमान खान की बहन का रोल किया था। उनके किरदार का नाम गीता था, जो अपनी मां की मर्जी के खिलाफ एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। दृश्यम 2015 कोलन। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में तब्बू ने एक पुलिस ऑफिसर और एक माँ के रोल को एक साथ निभाया था। उन्होंने इस फिल्म अजय देवगन को कड़ी टक्कर दी थी। गोलमाल अगेन 2017 कोलन। तबू के लिए यह साल बहुत ही स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में आई उनकी फिल्म गोलमाल अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है।